ओके, फाइव स्टूडेंट हैज जॉइन राघव, सिद्धिराज, साहिल, कोमल एंड पार्थ। ओके, तो भाई ये बताइए मुझे, कोमल ने तो होमवर्क जमा कर दिया, विशाल ने भी जमा किया, बाकी राघव, पार्थ, व्हाट अबाउट यू? You have not submitted your homework. पार्थ, आपने क्यों नहीं किया होमवर्क सबमिट? बताइए होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया? सॉरी सर, कितनी बार बोलेंगे सॉरी? सिद्धिराज, हाउ इज योर हेल्थ नाउ? आर यू डूइंग गुड? एंड साहिल, यू आल्सो? आई होप यू आर वेल एंड फाइन। प्लीज लेट मी नो हाउ आर यू नाउ, सिद्धिराज एंड साहिल। या फाइन साहिल, गुड। मीन्स आई जस्ट वॉन्टेड टू कंफर्म विद बोथ ऑफ यू, आर यू बोथ, मतलब सिद्धिराज एंड साहिल, आर यू 100% वेल? एवरीथिंग इज डन, 100% क्योर्ड? 19th डे? अरे 19th डे में है क्या? 14th डे में तो नहीं, मतलब हाउ इज योर हेल्थ, मतलब अभी फुल्ली हेल्दी हेल्दी फील कर रहे हो आप? साहिल एंड सिद्धिराज बताइए, आपका स्टेटस बताएंगे तब तो हमें समझेगा। 21 डेज तक क्वारंटाइन है। अच्छा, क्वारंटाइन तो है, ठीक है ना, वो तो है, बट हेल्दी है कि नहीं आप लोग ये बताइए। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, वीकनेस, नहीं तो पेन है? यस, ठीक है, और 2-3 दिन के बाद आप लोग ठीक होंगे, मतलब। ओके, मुझे भी हुआ था कोरोना यार, इतना कुछ तो नहीं हुआ था मुझे, मतलब मैं बहुत शुरुआत में ही हो गया था। चलिए, नो प्रॉब्लम। रोहन, तो रोहन, राघव, पार्थ ने, पार्थ ने होमवर्क क्यों नहीं किया है? रोहन, रोहन, विशाल ने किया है, रोहन भी कर दिया। अरे इतना कम तो होमवर्क देता हूं यार, वो भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? रोहन ने भी किया है, पार्थ ने नहीं किया, उसने बोला सॉरी, पार्थ ने सॉरी बोल दिया है, रोहन ने कर दिया, राघव ने भी किया है, कोमल ने भी किया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये होमवर्क तो आपके लिए है ना, अभी आप, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनीथिंग, यू मीन्स नो वन कैन लर्न एनीथिंग। सो आई हैव प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स इन माई स्टूडेंट लाइफ, फिर बाद में टीचर बनने के बाद फिर प्रैक्टिस किया है, इतना साल पढ़ाया है, तब जाके अभी ऐसा बन रहा। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नो यूज ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ। हाँ, परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आप लोगों को, ठीक है, आज मैं एक चांस दे रहा हूं। और ये सिद्धिराज और ये क्या साहिल, आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, 15-20 मिनट का ही होमवर्क रहता है, इट शुड बी डन बाय एवरीवन। ऑल माय स्टूडेंट्स शुड डू देयर होमवर्क केयरफुली, अटेंटिवली, नीटली,
रेगुलरली, ठीक है चलो। सो नाउ विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। सो वी आर स्टडिंग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अच्छा आर यू ऑल एवर टू अंडरस्टैंड माई वे ऑफ टीचिंग? जस्ट आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट लॉन्ग टाइम, जस्ट वॉन्टेड टू कंफर्म। यस एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड बाबा। पार्थ, साहिल, सिद्धिराज, विशाल। प्रॉपरली यस प्रॉपरली एवरीबॉडी, ठीक चलिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर टेलिंग द ट्रुथ, नो प्रॉब्लम। चलो तो अभी हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, एक दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज का जो डिस्कशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डिस्कशन में से ही क्वेश्चन आएंगे और इस चैप्टर के 99% आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है ना? वो सब जो सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व जितना भी है। चलो सब लोग वो एक्सरसाइज निकाल लीजिए। एक्सरसाइज है 12.3। यस ओके चलो ये क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। बॉक्स, एक इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। और इधर एक ऐसा डिजाइन है और इधर एक ऐसा डिजाइन है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये 56 सेंटीमीटर है। सॉरी मीटर में दिया हुआ है मैंने, सेंटीमीटर मीटर है यार। इन दिस टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन इन द टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। अच्छा ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है मतलब ये भी 56 होगा। इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इफ द सेंटर ऑफ ईच द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड। चलो इधर देखो। तो हमको क्या है अभी, ये क्या है यहाँ पे? फ्लावर बेड्स है, ये फ्लावर बेड्स है, ठीक है ना? कुछ ये फ्लावर वाला एरिया है, ठीक है। ये भी फ्लावर है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? और ये लॉन है, ठीक है ना? ए बी सी डी जो स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, ये लॉन है, स्क्वायर लॉन है, ठीक है ना? तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, मतलब जो भी दिख रहा है पूरा पूरे चीज का एरिया निकालना है। ये लॉन प्लस ये फ्लावर बेड का एरिया निकालना, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो सब लोग ए बी सी डी एक स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ याद रखिएगा, ए बी सी डी जो स्क्वायर ओवर ही है। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों सारे इक्वल।
अच्छा ये बताओ, चलो आप लोग अभी ये जो फ्लावर बेड है वो किस तरह, ये क्या है, सेक्टर है, सेगमेंट है, सेमी सर्कल है, क्या है? सेमी सर्कल नहीं है बेटा, सेगमेंट होगा सिर्फ ना। चलो देखो कैसे होगा ये सेगमेंट, देखिए ये सारे एंगल तो 90 डिग्री होंगे, ठीक है, स्क्वायर है तो ठीक है। अब ये पता, ये पूरा ये चारों एंगल क्या है, ये 360 होगा एंगल। अब ये स्क्वायर है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये मतलब क्या, ये सारा 90 90 90 एंगल होगा। अगर ये 180 का एंगल होता ना तो फिर ये सेमी सर्कल का कुछ हो सकता था, लेकिन अभी ये सेगमेंट है सिर्फ, दिस इज अ सेगमेंट। ये क्या है, एक सेगमेंट है। तो एरिया, ये भी सेगमेंट है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ लॉन +2 × एरिया ऑफ सेगमेंट, ये चीज निकालनी है हमें। तो सेगमेंट के लिए मैंने यहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे बड़ा कसरत करना पड़ेगा। तो सेगमेंट सेक्टर माइनस है, तो ये जो ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर 90/360 या 1/4 भी कर सकते थे, पाई, पाई का वैल्यू कुछ बोला है उन्होंने, नहीं बोला है, तो 22/7 लेते हैं। अच्छा अब ये रेडियस कितना होगा, ये जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक। अब ये 56 तो ये चीज है, ये रेडियस तो यहां से यहां तक होगा, ये रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को पहले। चलिए इधर देखिए, तो अभी ये दिया हुआ है 56, ये दिया हुआ है 56, तो ये डायगोनल होगा, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो 256 स्क्वायर हो जाएगा, तो 56 × 2 √2 आ जाएगा, ये डायगोनल, डायगोनल इतना आ जाएगा 56 √2। तो ये जो डायगोनल है ये क्या है, ये डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 28 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को अभी लेना पड़ेगा 28 √2। into 28 √2, तो 28 × 28 × 2 हो जाएगा, 28 28 और √2 का 2 हो जाएगा, ये तो 1/4, 1 जा 2 जा 11 जा 1 4 जा, तो 11 × 4 × किधर गया मेरा, 11 × 4 × कितना हो जाएगा, 28। इलेवन इंटू फोर इंटू 28, 1 2 3 2, तो सेक्टर का एरिया आ गया 1 2 3 2 मीटर स्क्वायर, मीटर दिया था, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, ये कितना आया है 20, अभी ये 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 28 √2 × 28 √2, तो ये 2 मिल के ये दोनों को कैंसिल कर देगा, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784।
एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा वन टू थ्री टू, वन टू थ्री टू, वन टू थ्री टू, फोर फोर एट आंसर आएगा इसका। तो सेगमेंट का एरिया कितना हो गया, फोर फोर एट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमको निकालना है क्या? अरे इतना क्या हो गया, अरे इतना ही था रहता था क्या, छोटा हो गया लगा। तो एरिया जो भी चाहिए था ये निकालना था ना हमारा, तो दिस इक्वल्स, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 448। तो 56 का स्क्वायर कितना आएगा, अच्छा खासा बड़ा आएगा, 56 इंटू 56, 3136, 3136, 448 का डबल। फोर फोर एट इंटू टू, 896। अब इसको ऐड कर देने का, 3136, 3136, 4032। क्या आंसर, 4032 आंसर ही बराबर। इसका आंसर आई क्या बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों। हाँ चलिए, इसको आप लोग भी ट्राई कीजिए, किसी को डाउट है क्या इसमें तो बताइए अभी। नो डाउट, चलो प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन, टिल दैट टाइम आई विल कीप रेडी अनदर क्वेश्चन। अच्छा
चलिए एवरीबॉडी इज रिटर्न दिस। सब लोगों ने लिखी। चलिए अभी इसी को ना एक अलग आसान मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए इधर देखिए, ये सब चीजें ना देखो एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग सीख लेंगे। अभी देखिए ये ए बी सी डी है, ये ओ है, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ लोन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, ये सी था ठीक है, ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी ये सेक्टर है, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी। अच्छा ये दोनों तो इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सेक्टर है मतलब क्वाड्रेंट है तो 90, तो इसको दोनों इक्वल होगा इसलिए 2 इंटू लिख दीजिए, 2 इंटू 90 अपॉन 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है 22√2, तो आर स्क्वायर कितना जाएगा 28 × 28 × 2, और ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो 2 × ½ बेस इंटू हाइट 28√2 × 28√2, ये दोनों हाफ हाफ कैंसल 1/4 2, ये टू, ठीक है। अभी क्या क्या बच गया, 7 बच गया इधर, 7 तो 22 × 28 × 28 × 28 कितना हो जाएगा 28 × 28 × 2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आप चाहे तो कॉमन भी ले लीजिए 28 × इसमें से 28 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 4 कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 2 कॉमन लिया तो 11 बच गया, 28 × 4 × 1 बच गया 1 1, 28 कॉमन आ गया इसमें से 2 आ गया 4 × 7 हो जाएगा 28 × 2 = 56, 56 28 × 2 = 56, 4 11 plus 7 will be how much 18, 18 4 = 72,
52 कितना आता है भैया? इतना तो नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया। पाई आर स्क्वायर। अच्छा 56 into 72 उतना ही आता है बराबर, तो 4032। तो ये आसान तरीका हो गया उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेगमेंट वेगमेंट निकालने में बहुत कबड्डी करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये नया मेथड, आसान वाला मेथड सबको समझ में आया? इजी मेथड है ये। कभी कभी क्लिक नहीं करता है टाइम पे। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस बेटा? चलिए प्लीज नोट डाउन दिस। यस कॉमा आई एम डूइंग द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, एन इजी मेथड। ओके सो प्लीज राइट डाउन दिस। इफ यू देखो क्या किया हम लोगों ने, ये दिस इज अ सेक्टर एंड दिस इज अ सेक्टर, तो एरिया ऑफ लॉन प्लस फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर, और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों का ऐड किया। ये सेक्टर और ये सेक्टर इक्वल है, इसलिए 2 into कर दिया यहाँ पे, इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और इधर ट्राइंगल 2 into, दोनों एरिया इक्वल है, तो 2 into half बेस इंटू हाइट, दोनों तो बेस और हाइट सेम ही है, तो इसको फिर बाद में कैलकुलेट किया, तो दिस इज द आंसर अगेन से। ओके चलिए प्लीज राइट डाउन दिस आल्सो, दिस इज इजी मेथड। इफ दिस क्वेश्चंस कम्स यू कैन सॉल्व इन दिस वे, टाइम भी बचता है, कैलकुलेशन भी आसान है, एवरीथिंग इज इजी। हे भगवंता, हे राधेश्याम, छोटा हो चलो बाहर चलते हैं। चलिए हो गया सबका ये, अभी चलो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड। ओके चलो इधर देखो, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन इन दिस क्वेश्चन नाउ। देयर इज अ स्क्वायर, ठीक है, अभी यहाँ पे से सर्कल बनाना है। यार ये सर्कल बनाना बड़ा मुश्किल था।
ठीक है चलो, अभी देखिए इस सर्कल के अंदर ना इस तरह से टच करता हुआ चार सर्कल है, टच कर रहे ठीक है ना, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे बोलो। ओके ये चार सर्कल टच कर रहे, चारों इक्वल है ठीक है ना अंदर में, और हमारा ये जो एरिया है ना ब्लू कलर में जो मैं कर रहा हूं, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है हम लोग को। ये चारों सर्कल इक्वल है, इस तरह से बीच का जो एरिया है ना ब्लू कलर वाला वो निकालना है ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए तो सब लोग, चलो सब लोग ट्राई करके आंसर बताइए। ब्लू कलर वाला एरिया को हमको फाइंड करना है, पूरा अंदर ये सब ब्लू कलर है ठीक है ना, थोड़ा भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा सर्कल का साइड दिया हुआ है यहाँ पे, साइड ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर का साइड 14 है, सारे स्क्वायर ही है। ये 90 डिग्री है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। चलो प्लीज फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? चलो पहले ये बताइए सब लोग, ये जो छोटे छोटे सर्कल चारों इक्वल सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल विल बी व्हाट? ये सबसे एकदम सिंपल सा चीज है, हु विल टेल? सारे का इक्वल है 14.2 या 7, वेरी गुड ठीक है। तो अभी हमको फाइंड करना है चारों इक्वल सर्कल है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एकदम सिंपल सा चीज। चलो निकालो तो ये नहीं निकाल सकता हूं मैं, वो सिंपल है। चलिए सब लोग निकालिए। अच्छा रेडियस नहीं, रेडियस 7/2 होगा बच्चों, 7/2 होगा, या 3.5, यस कोमल प्लीज पे अटेंशन, द रेडियस विल बी 7/2, ये 14 है तो ये दोनों को मिला के डायमीटर, ऐसा डायमीटर बनेगा, तो ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, तो ये 7 डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना होगा? 3.5 या 7/2। ओके चलिए अभी कीजिए, चलो देखते हैं किसका आंसर आता है इस बार। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इनटू 4 होगा, सही बता रहे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इनटू 4, क्योंकि चारों का माइनस करना पड़ेगा ना। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल,
कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। तो 14 का स्क्वायर -4 इनटू पाई, पाई का वैल्यू 22 सत्ते कितना होगा? 42 आंसर आ गया सबका। अभी हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू करना है। चलिए नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। सॉरी 12.3 हो गया है। चलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, रिस्पॉन्ड कीजिए यस या नो। उसके बाद जिनको समझ में आ गया है ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू कीजिए 12.3। यस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 आ रहा है आंसर? नहीं, 42 आ रहा है बच्चा रोहन। 42 आ रहा है आंसर, 44 गलत है। एरिया ऑफ 4 सर्कल 154 आ रहा है, बराबर है। ये सब्ट्रैक्ट अच्छे से कीजिए, 42 आएगा। चलो अभी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 शुरू कीजिए। ये आपको ही करना है, मैंने सब कुछ बता दिया है, मैं हेल्प करूंगा सिर्फ आप लोग। एवरीवन प्लीज स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3 ऑफ एनसीईआरटी विदाउट डिलेइंग। हे भगवान, चलिए
फाइन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे वो सेगमेंट है, क्या दिया हुआ है, एक सर्कल बनाया है इन्होंने, ओके ये सेमी सर्कल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। रीजन ए पी क्यू इज 24, पी आर इज 7, ये 7 है, ये 24 है, ये 25 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री, ये बता देंगे 25 आ गया, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 25/2। ओके अभी हमको निकालना है तो बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर। क्या हो जाएगा फिर, ये सेमी सर्कल क्या पाई बाई टू आर स्क्वायर, 25/2 × 25/2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट 24 × 7। तो ये 2 12 22/7 × 6 20। माइनस बस इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी ये इसको कंप्लीट कीजिए। तो 25 का वैल्यू कुछ तो दिया नहीं, हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 22 25 × 25 ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 625 625 625 5 7 8 6 6 8 7 5 -84 6 8 7 5 6 8 7 5 6 8 7 5 डिवाइडेड बाय 28 2 4 5 point 2 4 5 point 5 4। माइनस कितना 84, 161.54, 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन फर्स्ट, तो यही देखना है कौन से एरिया में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, ऐसे ही है पूरा चैप्टर। आंसर किधर है इसका, 12.3।
अच्छा, इन्होंने फ्रैक्शन में आंसर दिया है और माइनस कर दिया। 4, 5, 2, 3, 16, 20 बराबर है, सही है। फ्रैक्शन में आंसर दे सकते थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में ही दिया आंसर इन्होंने। चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये भी आंसर हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। चलो क्वेश्चन टू कीजिए अभी सब लोग। एवरीबॉडी प्लीज डू क्वेश्चन टू नाउ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 20.1। द एरिया ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर दिस एंड दिस 40°। इट्स सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन टू करना है? हाँ करना है, करना है, करना है हमेशा। मतलब वन किया तो टू कर लीजिए, टू किया है तो थ्री में जाइए, थ्री किया है तो फोर्थ में जाइए। ठीक है, चलो आई एम रिमूविंग दिस, थैंक यू सो मच। सो नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये तो, एकदम सिंपल सा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर, सेक्टर यहाँ पे नाम लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। तो 40/360 पाई आर स्क्वायर रेडियस, 14 का स्क्वायर, 40/360 पाई 7 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 9। तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 9, तो 1/9। पाई को कॉमन ले लेते हैं, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 7 का 49, तो 1/9 इंटू 22/7। अरे यार प्लस माइनस करते हैं इसको, ठीक है इसको अलग तरीके से करता हूँ मैं। इसको ए 14 स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, 14 + 7 विल बिकम 21, 14 - 7 विल बिकम 7, कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऐसा किया। 3 7 जा, सॉरी 3 3 जा, और कुछ नहीं, 154/3 आंसर ये होना चाहिए। यस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन थ्री कीजिए आप सब लोग। मेरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन थ्री कीजिए, एकदम सिंपल है वो भी। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू गो टू क्वेश्चन थ्री, सॉल्व क्वेश्चन
चलिए सब लोग क्वेश्चन 3 कीजिए। वन अपॉन 8 पाई ऐसा निकाला क्या? कौन से क्वेश्चन का आंसर बोल रहे विशाल आप? फॉर विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट 1 अपॉन 8 पाई 22/7? क्वेश्चन 3 के लिए तो आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दिया है उन्होंने? 14 दिया हुआ है, एपीडियन भी थी 14 दिया हुआ है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 14 का स्क्वायर दिया तो 196, 2 इंटू सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, 14 मतलब 7, 49 आ जाएगा। पाई में आंसर क्यों दे रहे हैं आप? डायरेक्ट हो ना, सिंपल तो आ रहा है। 22 × 7 = 154, 42 आंसर क्वेश्चन 3। वन वन नाइन फॉर विच क्वेश्चन? 196 कोमल, 119 पर विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 3 बोल रहे होगे मुझे लग रहा है आप लोग। क्वेश्चन बताओ। अरे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन 3, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2 × ½ × r² पॉइंट 22/7 × r। तो ये 7 कैंसल, ये कैंसल, 14 का स्क्वायर इज 196, 22 × 7 = 154 और आई थिंक 42 आएगा आंसर। क्वेश्चन 3 तो 42 आ रहा है, लेट मी चेक नाउ। क्वेश्चन आंसर बुक के पीछे आंसर दिया रहता, वो चेक करते जाओ आप लोग, हीरो मत बनो ज्यादा। 42 दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। या चलो अभी होमवर्क बता देता हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज है 12.3 से क्वेश्चन 4, 5, 7 तक ये करना है। और सबको कल होमवर्क सबमिट करना है। आज आप लोग ने, आधे लोगों ने नहीं किया है। एवरीबॉडी हैज टू डू द होमवर्क एंड सबमिट इट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। चलो थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से एग्जाम में आने वाले आपके। चलो बाय, वी विल मीट टुमारो, थैंक यू सो मच। चलो आई एम एंडिंग दिस सेशन ओवर हियर नाउ। प्लीज रिमेम्बर द होमवर्क, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7 करना है।